यूट्यूब चैनल सारा किचन एंड व्लॉग्स। सारा किचन एंड व्लॉग्स में मैं बना रही हूँ आज चिकन यखनी पुलाव। चिकन यखनी पुलाव के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनता है, आइए देखते हैं। यखनी बनाने के लिए मुझे चाहिए बादियान का एक फूल, 4 अदद बड़ी इलायची, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून नमक, 1.5 टेबल स्पून साबुत सूखा धनिया, 4 अदद सब्ज इलायची, 4 से 5 अदद लौंग, 1 दालचीनी की स्टिक मैंने ली है, 2 अदद तेज़पत्ता लिया है, 3 अदद लहसुन के पीस, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का, छोटा प्याज मैंने लिया है जिसको मैंने 2 से 3 हिस्सों में काट लिया है, 1/2 के जी यहाँ पे मैंने चावल लिए हैं जिनको मैंने धो के भिगो दिया है, यानी कि ये 2 कप चावल थे और 4 कप जो है इसका मैंने पानी ले रही हूँ। यखनी बनने के बाद पानी जो है वो 3 कप रह जाएगा। चिकन मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 के जी से थोड़ा ज़्यादा। तो चलिए यखनी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यखनी को तैयार कर लेते हैं, फ्लेम ऑन करूँगी मैं। चार कप यहाँ पे मैं पानी ले रही हूँ जिसमें मैं बड़ी इलायची, बादियान के फूल, काली मिर्च, लहसुन और अदरक, प्याज, ज़ीरा, नमक, 1/2 टेबल स्पून नमक ले रही हूँ और 1/2 टेबल स्पून मैं जो है वो बाद में इस्तेमाल करूँगी, धनिया, इलायची छोटी, दालचीनी स्टिक, लौंग, तेज़पत्ता, चिकन डाल लेते हैं। यखनी को मैं 15 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखूँगी और यखनी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे यखनी को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और यखनी जो है हमारी तैयार हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे यखनी को छान लेती हूँ और फिर पुलाव का जो है वो मसाला देख लेते हैं। यखनी को मैंने यहाँ पे छान लिया है, चिकन को अलहदा कर लिया है। तो चलिए चिकन पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। पुलाव को बनाने के लिए मैं ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच घी जो कि चावल पकाने के टाइम में इस्तेमाल करूँगी। नमक लिया है 1/2 टेबल स्पून, 1/2 मैंने पहले डाल दिया था, 1/2 अभी डालूँगी। ज़ीरा लिया है 1/2 टी स्पून, काली मिर्च का पाउडर लिया है 1 टीस्पून, दही लिया है 1.5 टेबल स्पून, अदरक का पेस्ट मैंने यहाँ पे लिया है 1 टेबल स्पून, 4 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने कट लगा लिया, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर और 1 मीडियम साइज़ का मैंने प्याज दिया जिनको मैं काट लिया है। फ्लेम ऑन कर लेते हैं। ऑयल जो है आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। ऑयल को यहाँ पे गर्म कर लेते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, मैं यहाँ पे प्याज डाल रही हूँ। प्याज को ब्राउन होने तक मैं जो है वो करूँगी। यहाँ पे प्याज जो है वो ब्राउन हो चुका है, मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिकन को। यहाँ पे चिकन को जो है वो 5 मिनट तक मैं फ्राई कर लूँगी। आप यखनी जब भी बनाएं ध्यान रखिए कि बार बार यखनी बनाते वक्त चम्मच ना चलाएं ताकि जिससे जो है आपका चिकन टूट सकता है। यखनी जितनी अच्छी बनेगी पुलाव उतना ही टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे मुझे फ्राई करते हुए
5 मिनट हो गए, कलर चेंज हो गया, आप देख सकते हैं लाइट ब्राउन कलर हो गया चिकन का। यहाँ पे मैं अब अदरक का पेस्ट डालूंगी और फ्राई कर लूंगी मज़ीद 1-2 मिनट। जब तक इसका कच्चापन जो है वो दूर नहीं हो जाता, दही शामिल कर देते हैं। दही के साथ में चिकन बहुत सॉफ्ट और जूसी रहता है। जो भी पुलाव बनाए ये चिकन इसके अंदर थोड़ा सा दही ऐड करिए, साथ ही साथ में जो है इसके अंदर टमाटर ऐड कर लूँगी। और दो मिर्चे शामिल कर लूँगी ताकि फ्लेवर जो है इसका इसके अंदर आ जाए। जीरा डाल देती हूँ, काली मिर्च का पाउडर, साथ ही मैं इसमें शामिल कर देती हूँ यहाँ पे साथ ही नमक ऐड कर दूंगी। मैं यहाँ पे इसको ढाम देती हूँ जब तक ये बॉयल नहीं होता। यहाँ पे चावलों का पानी तैयार हो चुका है, चावल ऐड कर देंगे। चलें इसको ढाम देते हैं और 1-2 दफे इसको चेक कर लेंगे। यहाँ पे चावलों का पानी जो है वो खुश्क हो गया। यहाँ पे मैं 3 अदद मिर्ची शामिल कर रही हूँ जिनको मैंने दरम्यान में से काट लिया। दस मिनट के लिए जो है इसको मैं दम पे छोड़ रही हूँ। यहाँ चावलों को चेक कर लेते हैं, मुझे दम को लगाए हुए 10 मिनट हो गए थे। और चावल जो हैं यहाँ पक चुके हैं। और आप देख सकते हो चावल कितने अच्छे बने हैं, उनको चलिए डिश आउट कर लेते हैं। तो होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।